Welcome back to our channel again, Cyberbugs, Cyber Secure. We are finding bugs, that's why we are Cyberbugs. तो आज मैं आपको फिर SSL और TLS टेस्टिंग के बारे में बताऊंगा जो आप AntMap का इस्तेमाल करके भी कर सकते हो, ठीक है। इसको भी आप अपनी चेकलिस्ट में ऐड कर सकते हो। अब देखो, अब TLS और SSL सर्विस रिकॉग्नाइजेशन वाया AntMap, ठीक है। अब देखो, AntMap में काफ़ी सारी जो सर्विसेज पोर्ट्स है वो आप स्कैन कर सकते हो, ठीक है। और अपने नेटवर्क में बहुत सारी सर्विसेज एंड पोर्ट्स चलते हैं, जैसे कि SSH, FTP, SMTP, तो ये सारी सर्विसेज इंक्रिप्टेड चैनल पे है या नहीं है। अगर वो इंक्रिप्टेड चैनल पे नहीं है तो वो वल्नरेबल है, अगर वो इंक्रिप्टेड चैनल में है तो वल्नरेबल नहीं, ठीक है। तो इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको क्या यूज करना है, तो सिंपल आप यूज करो AntMap -SV, ठीक है, -- reason -PN -N -- टॉप पोर्ट्स निकालो फिलहाल के लिए, ठीक है। टॉप पोर्ट्स 100 आप चाहो तो उसको बढ़ा भी सकते हो। AntMap.org लेता हूँ और एंटर करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि आपका जो सर्विसेस है वो SSL के साथ रन कर रहा है या विदाउट SSL के साथ रन कर रहा है, जैसे कि FTP है, ठीक है। तो हमारी जो सर्विसेज होती है वो FTP होता है, तो FTPS होती है, जैसे कि, ठीक है, हमारी जो सर्विसेज है वो रहती है FTP, SMTP, तो FTPS और SMTPS होना चाहिए। ये जो S है ये डिनोट करता है आपका SSL सर्टिफिकेट। अगर सिर्फ और सिर्फ FTP और SMTP है तो यहाँ पे पॉसिबल है कि आपका जो सर्विस है वो नॉट इंक्रिप्टेड चैनल पे है, नॉट इंक्रिप्टेड चैनल पे, ठीक है। तो जो भी डेटा आप फ्लो कर रहे हो FTP और SMTP से या फिर कोई और सर्विसेज से, ठीक है, तो वो जो डेटा है वो आपका इंक्रिप्टेड चैनल पे जा ही नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सिंपली मेरा सिर्फ और सिर्फ HTTP जो है वही SSL पर रन कर रहा है, बाकी SMTP SSL में नहीं है और ना ही SSH है। तो ये जो दो वर्जन्स है वो वल्नरेबल है, क्योंकि इसके साथ भी SSL रन होना चाहिए, ठीक है। अगर इसके साथ SSL नहीं है, इसका मतलब है कि मेरे जो सर्विसेज है वो वल्नरेबल है, जो इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ HTTP ही मेरा SSL पे जा रहा है, ठीक है। यानी हमें एक और वल्नरेबिलिटी यहाँ पे मिल गई। अब देखो, अब अगर आपको निकालना है कि आपके SSL सर्टिफिकेट में जो साइफर यूज होता है ना, जो इंक्रिप्शन यूज होता है, क्या वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं, ठीक है। अगर वो वीक है तो भी वल्नरेबल है, तो इसको निकालने के लिए आप क्या यूज करोगे, इसको निकालने के लिए हम लोग स्क्रिप्ट यूज करेंगे, AntMap -- स्क्रिप्ट SSL सर्ट कॉमा। मैं दो स्क्रिप्ट यूज कर रहा हूँ, ठीक है, SSL NM -साइफर -P। अब मैं किस स्पेसिफिक पोर्ट के लिए सर्च करूंगा, ये जैसे कि 443, 465, ये मेरे कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। आप चाहो तो सारे पोर्ट्स के लिए भी सर्च कर सकते हो, तो -P के जगह आप -P- लगा दो, ठीक है, सिंपल। लेकिन वो काफी ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं पोर्ट को स्पेसिफाई कर रहा हूँ, ठीक है, AntMap.org, ठीक है। अगर आपको सारे के सारे पोर्ट स्कैन करने हैं, अच्छा ठीक है, यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है मेरे इसमें, AntMap SSL NM did not match category, ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मैं प्रॉपरली दिया है या नहीं दिया है। साइफर S लगाना भूल गया तुम्हें, साइफर्स, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे देखो, प्रॉपर तरीके से स्क्रिप्ट आपकी रन होनी चाहिए। अब देखो, ये निकाल करके नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे पोर्ट जो है मेरे फिल्टर्ड है, यानी फायरवॉल से प्रोटेक्टेड है। मैं दूसरे वेबसाइट से देखता हूँ मेरे, अगर ये फायरवॉल से प्रोटेक्टेड है तो इसका एन्यूमरेशन निकाल करके नहीं देगा ये, और अगर निकाल करके देता है तो वो आपको ये चेक करवाएगा कि ये जो
इंक्रिप्शन इसमें जो यूज हो रहे हैं, जो SSL यूज हो रहा है, जैसे कि HTTPS, SMTPS, IMAPS, POP3S, तो जो S है इसको ही हम लोग कहते हैं SSL सर्टिफिकेट, जो सर्विसेज में यूज होता है। ठीक है, तो अभी ये स्कैन कर रहा है, देखते हैं कि मेरे इसमें जो पोर्ट्स हैं। हाँ ठीक है, ये देखो इसके अंदर भी इसने ज़्यादा कुछ निकाल करके नहीं दिया है, क्योंकि मेरे जो पोर्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट क्लोज्ड है, ओपन है ही नहीं। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, मैं सिंपल दूसरा कोई रैंडम वेबसाइट ले लेता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन ही गैदर कर रहा हूँ। ठीक है, कोई इलीगल एक्टिविटी तो यहाँ पे हो नहीं रही है। तो यहाँ पे देखो मैंने एक वेबसाइट ले लिया sc.ed.in, तो इस पे मेरा जो ग्रेड है वो ए है। ए ग्रेड यानी मेरा जो इंक्रिप्शन लगा हुआ है हर एक पोर्ट पे, जैसे कि ये HTTPS है तो इसका ग्रेड मुझे ए मिला है। ठीक है, इसका मतलब है कि मेरा जो TLS 1.2 और 1.3 के अंदर जो साइफर यूज हो रहा है वो बहुत ज्यादा सिक्योर है। तो लास्ट स्ट्रेंथ क्या है, ए। ठीक है, फिर अनदर इस पे आ जाओ, SMTPS और IMAPS में आ जाओ, तो इसमें भी मेरा ग्रेड ए है। ओवरऑल स्ट्रेंथ कितनी है, ए। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट इसमें आ जाओ, POP3 में आ जाओ, इसमें भी मेरा ग्रेड ए है। यानी जहां जहां पे मेरा ग्रेड ए है, इसका मतलब है कि मेरा जो ओवरऑल सिक्योरिटी है वो परफेक्ट है। लेकिन अगर यहाँ पे आपको बी या फिर सी दिखता है, इसका मतलब है कि आपकी जो सिक्योरिटी है वो मेंटेन नहीं है, आपका जो SSL सर्टिफिकेट साइफर यूज कर रहा है वो बहुत ज्यादा वीक है। ठीक है, तो हमेशा ए ग्रेड ही होना चाहिए। अगर बी और सी ग्रेड है तो सिंपल स्क्रीनशॉट लो और रिपोर्ट राइटिंग में पुट कर लो। ठीक है, तो ये थे आज के दो कमांड nmap के, जिससे आप SSL TLS की सिक्योरिटी टेस्टिंग कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। साइबरबग साइबर सिक्योर, मिलते हैं अगले वीडियो पे।